हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के मेरे वीडियो को ओपन किए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका फ़ोन लॉक हो चुका है और वो फ़ोन रेडमी का है। फ्रेंड, मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है रेडमी MI का लॉक कैसे तोड़ें बिना सर्विस सेंटर गए हुए और बिना डाटा लॉस किए हुए। अभी फ्रेंड क्या चल रहा है ना कि जब आपका फ़ोन रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो लॉक हो चुका है और अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप इस केस में फ्रेंड डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाते हो, मुझे पता है। और अगर सर्विस सेंटर आपको जाना नहीं भी है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, मोबाइल रिपेयर दुकानदार के पास। लेकिन दोनों जगह फ्रेंड आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है, पैसा लेंगे, समय लेंगे और डाटा लेंगे तो जाके आपका फ़ोन आपके हाथ में मिलेगा। जब आप अपना फ़ोन अपने हाथ में देखोगे तो आपका ना तो फ़ोटो है, ना ऑडियो दिखेगा, ना वीडियो दिखेगा, ना गेम है, ना फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कुछ नहीं है फ्रेंड, टोटल का टोटल डाटा डिलीट है। लेकिन मेरे इस मेथड के अनुसार अगर आप चलोगे तो आपका पैसा बचेगा पहला, दूसरा समय बचेगा, तीसरा आपका डाटा बचेगा, मतलब कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है फ्रेंड। तो टाइम क्यों लिया जाए भाई, डायरेक्ट वीडियो पे क्यों ना आया जाए। तो फ्रेंड मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये वीडियो फ्रेंड जो मैं बना रहा हूँ, जो आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये कभी भी सर्विस सेंटर वाले नहीं दिखाएंगे, ये बात तो आपको पता है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसका मतलब आप कुछ गलत तरीके से देखोगे या इसका मतलब गलत तरीके से निकालोगे तो आप इसका जिम्मेवार खुद होगे फ्रेंड, ये बात हमेशा याद रखना। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का लॉक कैसे तोड़ा, सॉरी रेडमी का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। मैं रेडमी का जगह सैमसंग बोल रहा था। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीपअप करना है। जब आप अपना रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर जब ऐसे स्वीपअप करोगे तो नीचे आपको इमरजेंसी कॉल दिखेगा जहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। ऑप्शन तो आपको बहुत चीज़ दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ काम नहीं करेगा, रॉन्ग पासवर्ड है, पासवर्ड आपको याद नहीं है। इंटर पासवर्ड पे क्लिक करोगे यहाँ पे भी कुछ काम नहीं करेगा। आपको फ्रेंड एक इमरजेंसी कॉल ही दिखेगा जहाँ पे आप अपना वर्क कर सकते हो, तो आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर देना। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे फ्रेंड तो आपके सामने एक न्यू डायलेट, जो आप इस देख रहे हैं ना, इसको न्यू डायलेट बोलते हैं या न्यू कीपैड बोलते हैं। तो इस न्यू डायलेट, इस न्यू कीपैड में आपको सबसे पहले FRP कोड का इस्तेमाल करना होगा जिसके कारण आपका FRP कोड टूटेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फ्रेंड, मैं तुरंत आपके सामने FRP कोड आपके सामने अप्लाई करूँगा। लेकिन उस कोड को अप्लाई करने से पहले मैं बता दूँ कि ये कोड सिर्फ एक बार में ही काम करेगा और ये कोड सितंबर मंथ तक ही काम करेगा। सबसे इंटरेस्टेड बात यह है फ्रेंड कि ये कोड सिर्फ सितंबर मंथ तक ही काम करेगा, आप हमेशा याद रखना। अगर आप सोचोगे कि इस कोड के मदद से मैं हर एक मंथ कभी भी फ़ोन अनलॉक कर लूँगा तो फ्रेंड ऐसा नहीं होगा, ये कोड सिर्फ सितंबर मंथ का ही है। और ये वीडियो भी आपको लिए जब आपका रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो मैं बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपको लॉक से अनलॉक कराएगा सिर्फ सितंबर तक ही, अक्टूबर का न्यू कोड आता है फ्रेंड जो मैं आपको हमेशा देते रहता हूँ। तो ये कोड जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस कोड का नाम होता है FRP कोड, इसमें वन का कोई काम नहीं रहेगा, यही वो छोटा सा कोड है फ्रेंड जिस कोड का नाम होता है FRP कोड। इस कोड को आपको 9 टाइम कॉल करना है ताकि ये कोड रनिंग करे और आपका FRP कोड तोड़ दे। तो कॉल पर क्लिक करोगे कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, उसको ओके कर देना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 टाइम जब आप कॉल कर लिए हो तो इस कोड को आप हटाओगे कैसे, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दोगे कोड हट जाएगा, ये प्रोसेस नहीं बोलता है। प्रोसेस ये बोलता है कि इस कोड को एक एक करके हटाया जाए, ऐसे प्रोसेस के अनुसार चलोगे फ्रेंड तो आपका भी फ़ोन अनलॉक होगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा। तो अब आप देख सकते हो कि अब आपका FRP कोड टूट चुका है, और जब FRP कोड ही टूट जाता है तो फ़ोन समझिए कि अनलॉक ही हो चुका है। तो अब आपको सेकेंड कोड दूंगा मैं जिस कोड का नाम होता है मास्टर अनलॉकिंग कोड, और ये कोड भी सितंबर मंथ का कोड है।
जाहिर सी बात है मैं आपको सब कोड जो दूंगा वो सितंबर मंथ का ही दूंगा, और ये कोड आप बहुत ही बारीकी से लिख लेना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी इस वीडियो पे हो, क्योंकि इस कोड में अगर एक भी बार आप गलत कोड दे दिए, इस 9 के जगह 1 दे दिए या 9 के जगह 0 दे दिए, उसके बाद कॉल किए, उसके बाद आप दोबारा भी सही भी कोड डालोगे ना तो आपका वो प्रोसेस नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सही से चेक करके कोड को अप्लाई करो। इस कोड को ओनली 5 टाइम कॉल करना है ताकि ये कोड रनिंग करे, और ये कोड आपका 2 वर्क कंप्लीट करके देगा। पहला डाटा बचाएगा, दूसरा पासवर्ड, पैटर्न, पिन, फिंगर लॉक, स्क्रीन लॉक सब तोड़ देगा। तो इस कोड को 5 टाइम कॉल करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले टाइम किए थे। 1 2 3 4 5 5 टाइम कॉल करने के बाद इस कोड को इस बार डायरेक्ट हटाया जाए। सब कोड का अलग अलग तरीका होता है फ्रेंड, तुरंत होम बटन पे भी क्लिक कर लिया जाए। और आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है। जिस प्रकार मैंने प्रोसेस किया है, जिस प्रकार मैंने कोड हटाते ही के साथ तुरंत होम बटन पे क्लिक किया, आपको भी उसी तरह करना है। ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, कोड हटाने के बाद तुरंत होम बटन पे क्लिक कर देना है और आपका फ़ोन भी अनलॉक हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है, वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है। एक भी डाटा इसका डिलीट नहीं हुआ है। सर्विस सेंटर गए होते, पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता। तो आई होप फ्रेंड कि मैंने आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट किया, पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया। तो ये फ्रेंड अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपके पास भी किसी भी कंपनी का हैंडसेट है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।